नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल BHU वर्ल्ड में। आज हम आपके बीच हैं BHU एंट्रेंस की डेट्स को लेकर जो कंफ्यूजन हुआ है उसे दूर करने के लिए। वीडियोस पर लगातार कमेंट आ रहे हैं कि सर एग्जाम की डेट्स जो है वो चेंज हो गई है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आइए आपके इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं और भविष्य में आपको कंफ्यूजन ना हो इसके लिए क्या करना है आपको पूरा प्रोसेस आपको समझाते हैं। अब आइए आपको बतलाते हैं कि BHU का एंट्रेंस डेट जो है वो सही कौन सा है, आप किस प्रकार से पता करें। सबसे पहले आप गूगल पे जाएं और गूगल पे www.bhuonline.in इस वेबसाइट को खोलें। ये BHU का ऑफिशियल वेबसाइट है, ध्यान रहे इसके अतिरिक्त कोई भी वेबसाइट ऑफिशियल नहीं है एंट्रेंस टेस्ट को लेकर। जैसे ही आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के इस ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंचते हैं, आपको डिफरेंट नोटिफिकेशंस जो हैं वो ब्लिंक करते हुए दिख जाती हैं, जैसे कि कैंसलेशन ऑफ टेस्ट सेंटर फॉर UET एंड PET। इसको लेकर भी छात्रों में बड़ी दुविधा है। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें डेट संबंधी कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। जो 10 सेंटर कैंसिल किए गए हैं उसके संबंध में जानकारी है, यानी कि इन 10 सेंटर पर एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा और इसके अतिरिक्त जो और 10 सेंटर हैं वहाँ पर छात्रों का एग्ज़ाम लिया जाएगा। पीछे जब चलते हैं तो हम देखते हैं कि अंडर ग्रेजुएशन का ये एलोकेशन बना हुआ है और यहाँ पे शेड्यूल ऑफ एंट्रेंस टेस्ट जो है वो दिया हुआ है। इस पर जब हम क्लिक करते हैं तो ये एक पेज खुलता है जिसमें स्पष्ट तौर पर ये वर्णन है कि 15/4/2018 दिन रविवार को BA ऑनर्स आर्ट्स का एग्ज़ाम होगा, सेकंड शिफ्ट में इंस्ट्रूमेंटल का एग्ज़ाम होना है और फिर थर्ड शिफ्ट में BA ऑनर्स सोशल साइंस का एग्ज़ाम होना है। इसी प्रकार 29/4/2018 को BEd की डिफरेंट एग्ज़ाम्स होनी है, सेकंड शिफ्ट में उसी दिन BSc मैथ्स ऑनर्स का एग्ज़ाम होना है, जबकि 13/5/2018 को सेकंड शिफ्ट में BSc मैथ्स का एग्ज़ाम होना है और थर्ड शिफ्ट में BFA का एग्ज़ाम होना है। अगला एग्ज़ाम फिर संडे 20/5/2018 को BSc एग्रीकल्चर का है और फिर 22 को BSc बायोलॉजी का है। उसी प्रकार 23 तारीख को BCom का एग्ज़ाम है और फिर 25 को डिफरेंट बैचलर ऑफ वोकेशन इन लॉजिस्टिक मैनेजमेंट्स का जो है वो एग्ज़ाम होना है और 27 को अंतिम UET का एग्ज़ाम जिसमें शास्त्री ऑनर्स का एग्ज़ाम होना है, साथ ही LLB जो 3 वर्ष की ये कोर्स है ये होना है और BA LLB जो पंचवर्षीय कोर्स है ये भी होना है। आखिर ये मिसअंडरस्टैंडिंग कैसे क्रिएट हो गई? कई लोग लगातार मैसेज कर रहे हैं कि सर डेट चेंज हो गया है, डेट चेंज हो गया है। वाकई इसमें कहीं ना कहीं गलती हुई है। जब आप इस वेबसाइट पर जाते हैं और अप्लाई फॉर एडमिशन में जाकर UET बुलेटिन जब खोलते हैं तो एक बुलेटिन खुलता है 46 पन्नों का। ये बुलेटिन पहले का लोड किया हुआ है, अभी तक विश्वविद्यालय प्रशासन ने इसे नहीं हटाया है। इसके जब आप 42 नंबर पेज पर जाते हैं तो वहाँ पे गड़बड़ डेट दिया हुआ है, यानी कि वहाँ कुछ अलग डेट दिया हुआ है, यानी 15/4 को जो सोशल साइंस और आर्ट्स की एग्ज़ाम होनी थी वो इसमें 29/4 को देना है। अभी हम UET BHU का जो रजिस्ट्रार ऑफिस है अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट का, वहाँ पर हमने जाके संपर्क किया तो वहाँ बताया गया कि ये जो डेट है UET शेड्यूल वाला जो वेबसाइट पे यहाँ देखिए उपलब्ध है, ये शेड्यूल उपलब्ध है यहाँ पे, ये डेट जो है ये मान्य डेट है और नियत समय से इसी डेट के अनुसार 15 को BA आर्ट्स और BA सोशल का एग्ज़ाम होना है। तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना रहें, निश्चिंत रहें कि 15/4/2018 को BA सोशल और BA आर्ट्स दोनों का एग्ज़ाम हो रहा है। एग्ज़ाम के 4 से 5 दिन पहले यहाँ पे एडमिट कार्ड का एक नया आइकॉन बनेगा, उससे आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें। एडमिट कार्ड में आपके एग्ज़ाम डेट और एग्ज़ाम सेंटर संबंधित सारी जानकारियाँ उपलब्ध रहेंगी। एडमिट कार्ड के लिए आप बिल्कुल भी मत घबराइएगा, क्योंकि ये बहुत पहले अपलोड नहीं की जाती है, ये एग्ज़ाम से 3 या 4 दिन पहले, मैक्सिमम 5 दिन पहले ही अपलोड किया जाता है। इसलिए आप BHU ऑनलाइन के इस पोर्टल को लगातार
सर्च करते रहें और सर्व करते रहें। साथ ही अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको सारी नोटिफिकेशंस जो हैं वो समय से मिलती रहे। साथ ही आप हमारे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं। आप फेसबुक खोलें और वहाँ पर जाके @worldbhu ये जब आप टाइप करेंगे तो BHU वर्ल्ड नाम का एक फेसबुक पेज खुलेगा। उस पेज को लाइक करें। यह पेज BHU के छात्रों के द्वारा संचालित की जाती है और न्यूज़ पोर्टल के रूप में कार्य करती है। इस पेज के माध्यम से भी आपको BHU के संबंधित तमाम जानकारियां मिल सकती हैं। साथ ही यदि आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप फेसबुक के सर्च बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी टाइप करें hello.suraj@gmail.com। जब आप इसे सर्च करेंगे तो मेरा प्रोफाइल जो कि सूरज भारद्वाज के नाम से है ये फेसबुक प्रोफाइल खुलेगा। आप यहाँ मुझे फॉलो कर सकते हैं, मैसेजेज भेज सकते हैं, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। जितने भी क्वेरीज होगा मैं कोशिश करूँगा कि समय से आपके क्वेरीज का उत्तर दे दूँ। और बिल्कुल भी मन में कोई कन्फ्यूजन ना रखें, जो इंट्रेंस का UET शेड्यूल है उसके अनुसार ही एग्ज़ाम होना है और अन्य किसी सोर्स पर आप डिपेंडेंट ना रहें। BHU ऑनलाइन के अलावा अन्य किसी भी सोर्स की जानकारी 100% सही नहीं हो सकती है। धन्यवाद।